बच्चों सूर्या क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आप लोग क्लास 10 का 2024 में जो 22 फरवरी को पेपर हुआ था उसको आप लोगों को पूरा संपूर्ण हल करके बताते हैं। कोड नंबर देख लीजिए, पहले 801 लिखा है या ची लिखा हुआ है, ठीक है, इसका संपूर्ण हल आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर रोल नंबर और इनाम जानते ही होंगे। यहाँ 2024 लिखा हुआ है, ठीक है ना, पेपर ठीक है हिंदी का ही है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। कितने बच्चे होते हैं नाइन्थ में, जो बच्चे हैं अभी अच्छे से देख नहीं पाए तो वो भी देख लेंगे। तो आइए संपूर्ण हल दिखाते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो आप लोगों को ये ऑप्शन आप लोग मारिएगा, हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है, आप लोगों का 100% यही वाला आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो आप लोग ए ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलाल शुक्ल थे, ठीक ना। अब अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, तो शुक्ल युग के अन्य नाम जो होते हैं तीनों ऑप्शन सही है, तो आप लोग लगाएंगे क्या, डी लगाएंगे। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकारक हैं, तो विष्णु प्रभाकर देखा जाए तो इसमें से कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, आप लोग इसको थोड़ा स्टार मार लीजिएगा, ठीक ना, इसको पता करके बता दीजिए कमेंट में, इनमें से कोई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भाव विलास के रचना कारक हैं, तो आप लोगों को केशव दास लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले एक बार ऑप्शन मिला लीजिए अच्छे से, पहला का आप लोग लगाए होंगे बी, दूसरा लगाए होंगे ए, तीसरा आप लोग बी लगाए होंगे, चौथा डी लगाए होंगे, पाँचवा भी डी लगाए होंगे, छठवां ए लगाए होंगे, जो सातवां है तो आप लोग ए लगाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, लिखा हरितकाल की कितनी धाराएं स्वीकृत किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा तीन ही किया गया है। जौहर काव्य के रचनाकारक हैं, तो श्याम नारायण पांडे हैं, ठीक। अगला देखा जाए, चितंबरा के रचनाकारक हैं, चितंबरा के जो रचनाकारक थे सुमंतानंद पंत हैं, ठीक। अगला देखा जाए तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वीररस, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वीररस है या फिर इसमें आप लोग देख लीजिएगा हास्य रस, दोनों में से एक है, लेकिन ये ऑप्शन 100% यही लग रहा है वीररस है। अगला देखा जाए 12 नंबर, तो 12 नंबर में आप लोगों को उपमा अलंकार है, ठीक। 13 नंबर का देख लिया जाए, उपमा अलंकार बी सही है। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है, आप लोगों को हर साल हर बार पढ़ाया गया है, बल्कि हम भी पढ़ाए हैं, तो आप लोग ऑप्शन सही हो जाएगा सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुरूप के प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनु आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो द्विंद समास है, द्विंद है, ठीक ना। अब यहाँ पर पर्यायवाचक पूछा है, तो आप लोग पर्यायवाचक में क्या हो जाएगा, वायु समीर और ब्यार जो होता है वायु का होता है, ठीक ना। इसमें आप लोग 17वां में आप लोग लगा लेंगे पंचमी विभक्त एक वचन, ठीक। अगला देखा जाए, संदेशपूर्ण कथन को कहते हैं, तो आप लोग संदेहात्मक वाक्य लगा लेंगे, आप लोग सी ऑप्शन सही है। अगला देखा जाए 19 नंबर, तो 19 नंबर में आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं, मैं पत्र लिखूंगा, इसका पूछ रहा है कर्मवाचक, तो आप लोगों को परिवर्तित करना है, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर भी फ्यूचर हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर होना चाहिए। अगला देखा जाए 20 नंबर, तो 20 नंबर आप लोग का लिखा स्थानवाचक क्रिया विशेष विश्लेषण है, तो आप लोग आसपास में, जैसे स्थानवाचक मतलब होता है जो आस्थान, मतलब कोई अगर आसपास में जगह है उसी को स्थानवाचक बोलते हैं, बल्कि ये दे दिया भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए, तो आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 सही है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्यांश खंड ब आ गया, ठीक है, आप लोग यहाँ से लिखना चालू किए होंगे, तो पूरा आप लोग देख लीजिए गद्यांश, आप लोग ये किस लेसन का है आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग लिख कर आए होंगे, और देख लीजिए अथवा करके भी दिया है, तो इसको भी ध्यान दे दीजिए। तो आप लोगों को करना क्या होता है, पहला मैं आप लोगों को यहाँ पर देखा जाए अथवा करके दिया है, तो आप लोग गद्यांश का पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम लिखना होता है, इसको छांट के लिखना होता है रेखांकित भाग को, इसमें जो होता है इसमें से क्वेश्चन को छांट के लिखना होता है। सेम अथवा भी ऐसे ही करके दिया, तो आप लोग आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, हर साल क्वेश्चन आता है, कमल चरण कमल बंधो हरि राय, यह हर साल आया है क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये वाला तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, कौन सा अलंकार ये भी पूछ लिया है, यहाँ पर आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक है, अंश का व्याख्या करना, यहाँ पर क्या करना है, अलंकार लिखना है बस। अगला देखा जाए, तथवा करके दिया, तथवा करके एक ही दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना था, तथवा भी देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का रेखांकित भाग की व्याख्या करना, उसी का अभी जस्ट जो दिखाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 आप लोगों का संस्कृत है, ठीक है,
बनारस लेसन से लिया गया है, तो आप लोग आराम से देख रहे होंगे बनारस का पूरा कहानी आप लोगों को याद होगा, तो आराम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक ना। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ये वाला लेसन आप लोगों को मालूम ही होगा किस लेसन से है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये गद्य है, आप लोगों को बता देते हैं ये क्या है, पद्य है संस्कृत में, ठीक है, जिसे श्लोक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, 5वां नंबर में आप लोगों को बताते हैं, हर जिला वाइज करके क्वेश्चन होता है इसमें, तो आप लोग जिस जिले के होंगे वही जिले को आप लोगों को लिखना होता है। तो आप लोग जो जिला, जैसे गोरखपुर हो गया, ठीक है ना, देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, तो वहाँ पर मातृभूमि के लिए लगता है, ठीक है ना, ये वाला। तो हमारे गोरखपुर के बच्चे यही किए होंगे, अन्य जो जिले के होंगे वो अलग अलग किए होंगे। तो मातृभूमि के लिए द्वितीय सर्ग लिखना था इसमें, ठीक ना, जिसे संघर्ष वाला बोलते हैं, या चरित्र वर्णन करना था इसको लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इसमें याद रखिएगा आप लोग एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लिया जाए यहाँ पर, तो आप लोगों को करना क्या है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग पदुमलाल बख्शी लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है कवि का, वो लेखक था, ये क्या है, कवि है। तो आप लोग कवि का लिखेंगे, मैथिलेश्वर गुप्त लिख सकते हैं, रसखान लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा लिख सकते हैं, अशोक जो है अशोक वाजपेयी लिख सकते हैं। तो आप लोग महादेवी का बढ़िया से लिखे होंगे, मैथिलेश्वर गुप्त भी बहुत बढ़िया लिखे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों को, 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है, श्लोक लिखना है, एक ही श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। 8वां नंबर दिया है, अथवा करके आप लोगों को पत्र लिखना है अधिकारी के पास कि हमारे यहाँ नाली साफ सुथरा नहीं है और मोहल्ले की जो गली है वो भी साफ नहीं है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, तो यहाँ लिखा है 2 क्वेश्चन करने हैं, संस्कृत का क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत अच्छा आया हुआ है यहाँ पर, निबंध, ठीक है ना, ऐसे जिसे बोलते हैं। तो आप लोग किसी यात्रा का वर्णन करना है, शिक्षा नीति लिखना, चाहे इंटरनेट के बारे में लिखो, आत्मनिर्भर भारत के पुस्तकालय से लाभ। तो आप लोग बोलते हैं मोदी जी हमेशा आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो आप लोग आत्मनिर्भर के बारे में लिखिए या शिक्षा नीति के बारे में लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अगले बार इसको ट्रिक में बताया भी था, ठीक ना, तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोग देखते ही हो पूरा, ये लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, पूरा हल आप लोगों को मिल गया, ठीक ना। आप लोग चाहिए तो पूरा हल करा के चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।